Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is in New Delhi. He is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S. Jayashankar, Road Transport and Highways Minister Nitin Gatkari to push for more developmental projects for the state. The meetings are crucial as it comes ahead of the 2026 Assembly elections. Chief Minister Sharma is also expected to extend an invitation to the Prime Minister and the Union Ministers for the Advantage Assam Global Infrastructure and Investor Summit in February next year. So, that is the big story that we're tracking at this, our viewers. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is in New Delhi today. He is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S. J. Shankar, and Road Transport and Highways Minister Nitin Gatkari to push for more developmental projects for the state. The meetings are crucial as it comes ahead of the 2026 Assembly elections. And Chief Minister Sharma is also expected to extend an invitation to Prime Minister Modi and the union ministers for the Advantage Assam Global Infrastructure and Investors Summit in February next year. राइट एंड टू गिटेस्ट अपडेट लाइव फ्रॉम दिल्ली बाई माई कॉलिग सिद्धार्थ भट्टचार्य सो सिद्धार्थ आज असम के मुख्यमंत्री नेशनल कैपिटल में हैं तो क्या उनके आज के आइटनरी आइटनरी में क्या है आज के लिए uh, क्या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी मिलने वाले हैं सिद्धार्थ जी हाँ बिल्कुल रौनक वो अभी जो है पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं लगभग 11 बजे वो पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं उनके साथ जो है जो एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्र मार्घेरिता भी उनके साथ एक साथ ही पार्लियामेंट में गए हैं और उनका जो ये तीन दिन का जो शेड्यूल है उस उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो जितने भी जो सेंट्र, सेंट्रल मिनिस्टर है उन सब से उनकी मुलाकात वो मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और खासकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की अपॉइंटमेंट उन्होंने मांगी थी आज आज की अपॉइंटमेंट उन्होंने मांगी थी लेकिन अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुआ है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के काफी सारे शेड्यूल्स रहते हैं और इसीलिए हम अभी तक उनको जितना हमें सूत्रों से पता चला है अभी तक उनको कन्फर्मेशन नहीं मिला है लेकिन ये तीन दिन के अंदर जो है उनकी मुलाकात होने की पूर्ण संभावना है और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री को खासकर आसाम आसाम में फॉर्मेली इनविटेशन दिया जाएगा और इसके अलावा जो है आने वाले जो चुनाव होंगे क्योंकि दो में विधानसभा चुनाव आसाम में हो होने जा रहे हैं उससे पहले अभी जो आने वाले एक डेढ़ महीने के अंदर जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा अपनी जो है स्ट्रेटेजी बनाएगा और किस तरह से लोगों के पास पहुंचेगा उसके ऊपर खासकर बातचीत होगी और मशवरा करेंगे और इसके अलावा जो है देखा जाए तो कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं फाइन, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की उन्होंने अर्जी डाली है इसके अलावा होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा डोनर मिनिस्टर हो या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो कई सारे जो मिनिस्टर सारे मिनिस्टर के साथ जो है मुलाकात के लिए उन्होंने अर्जी डाली हुई है और एक एक करके क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है सारे मिनिस्टर्स जो है यहाँ उपस्थित रहेंगे पार्लियामेंट हाउस में और इसी कारण से वो पार्लियामेंट हाउस गए हुए हैं और ये तीन दिन लगातार जो है वो दिल्ली में बैठकर जो है सारे मिनिस्टर के साथ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और असम को लेकर के आसाम में आने वाले दिनों में किस तरह से काम किया जाए या किस तरह की जो है सुविधाएँ आसाम को चाहिए कई सारे डिपार्टमेंट से और क्या क्या काम रुका हुआ है इसके ऊपर सलाह मशवरा जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनसे भी मुलाकात करेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात की संभावना है और जिस तरह हमें सूत्रों से पता चला है तो सारे जो मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ मुलाकात करेंगे और आने वाले दिनों में आसाम में किस तरह से डेवलपमेंट के काम किया जाए और किस तरह से आसाम को आगे ले जाया जाए उसके ऊपर जो है सलाह मशवरा लेंगे और जो क्या क्या काम पेंडिंग है उसके ऊपर जो है वो अपनी जो प्रेजेंट रिपोर्ट है वो दाखिल करेंगे और आने वाले समय में किस तरह के कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरह की कि मदद हेल्प की जरूरत होगी उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो इसी जो ये तीन दिनों में खासकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्् शर्मा सारे मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से भी वो उनकी मुलाकात करने की पूरी संभावना है प्रधानमंत्री जिस दिन भी अपॉइंटमेंट देंगे उसी दिन उसी समय जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए अर्जी डाली हुई है और प्रधानमंत्री किसी भी समय उनको बुला सकते हैं और इसीलिए वो पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं रौनक जी और सिद्धार्थ अगले साल फरवरी में जो एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए आज का ये चीफ मिनिस्टर शर्मा का जो विजिट है दिल्ली में ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है जी हाँ बिल्कुल रौनक जो एडवांटेज आसाम और जो जो इन्वेस्टमेंट सामिट होने वाला है उसको उसके नज़र से हम अगर देखें तो कई सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा और जो आसाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्् शर्मा ऑलरेडी प्रेस मीट करके ये बोल चुके हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट कई सारे मिनिस्टर्स और कई सारे हाई प्रोफाइल लीडर्स इस समिट में उपस्थित होंगे और इस के अलावा कई सारे जो बिजनेस टाइकून होंगे वो भी आ, इस समिति में उनको भी बुलाया जाएगा तो आ, ये इसी दौरान जो है क्योंकि हर एक मिनिस्टर का एक, एक लंबा शेड्यूल रहता है और उसी आ, दौरान अभी लगभग डेढ़ महीना बाकी रह गया है और इस समय जो है उनको उनकी अपॉइंटमेंट ली जाए जाएगी टाइमिंग लिया जाएगा और उसी हिसाब के हिसाब से सबको फॉर्मेली इनविटेशन दिया जाएगा और ये भी एक कारण है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का इस दिल्ली दौरे का और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया जाएगा ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है प्रधानमंत्री के अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो सारे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं उनके मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा और उन, उनको फॉर्मेली इनविटेशन देने और उनका टाइम कौन से टाइम में वो लोग कंफर्टेबल होंगे ये आ, सर सारी बातचीत भी इसी मुलाकात के के दौरान होगी ऐसा हमें से पता चला है रोनक। जी भी, जी सिद्धार्थ बहुत-बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए नेशनल कैपिटल टुडे एंड ही इज लेटेड टू कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एस होस्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स टुडे